इस बोर्ड के TDA7294 वाले सेक्शन में इसके आउटपुट कॉइल और आउटपुट फिल्टर के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसका सर्किट बनाया और बोर्ड में मैंने सारे कंपोनेंट्स लगाए तब मैंने देखा कि इसके TDA7294 वाले सेक्शन में आउटपुट कॉइल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कॉइल लगाने से यहाँ पर IC ज़्यादा हीट हो रहा है, यानी एम्पीयर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये बोर्ड शॉर्टिंग हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉइल को रिमूव कर लिया है। और वीडियो में आपको एक कॉइल लगा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि जब मैं बोर्ड बना रहा था तब मेरे को पता नहीं था और बोर्ड बनाने के बाद जब मैं इसका टेस्टिंग किया तब मेरे को पता चला, इसलिए वीडियो की लास्ट में मैं इस कॉइल को रिमूव कर लूँगा। और IC के 14 नंबर पिन से हमें यहाँ पर डायरेक्ट आउटपुट निकाल लेना है, जो कि मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता भी दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चलिए अभी हम इस PCB पर कंपोनेंट माउंटिंग करते हैं। तो पहले नौ पीस रेजिस्टेंस 22 के क्वार्टर वाट में, नौ पीस रेजिस्टेंस 1 के क्वार्टर वाट में, पांच पीस रेजिस्टेंस 10 के क्वार्टर वाट में, पांच पीस रेजिस्टेंस 100 के क्वार्टर वाट में, दो पीस रेजिस्टेंस 47 के क्वार्टर वाट में, दो पीस रेजिस्टेंस 2.2 के क्वार्टर वाट में, एक पीस रेजिस्टेंस 330 के क्वार्टर वाट में, एक पीस रेजिस्टेंस 4.7 के क्वार्टर वाट में, एक पीस रेजिस्टेंस 680 ओम क्वार्टर वाट में, तीन पीस रेजिस्टेंस 10 ओम 1 वाट में, दो पीस कैपेसिटर 2.2 EF 63 वोल्ट में, चार पीस कैपेसिटर 22 EF 63 वोल्ट में, दो पीस कैपेसिटर 10 EF 25 वोल्ट में, दो पीस कैपेसिटर 47 EF 25 वोल्ट में, दो पीस कैपेसिटर 2.2 EF 63 वोल्ट में, एक पीस प्रीसेट 100K का, आप चाहते हैं यहाँ पर 47K का या फिर 50K का ये प्रीसेट यूज कर सकते हैं, सात पीस कैपेसिटर 0.1 EF, दो पीस IC बेस 8 पिन का, एक पीस प्लस वोल्टेज रेगुलेटर 7812, आप चाहे तो 7815 भी यूज कर सकते हैं, एक पीस माइनस वोल्टेज रेगुलेटर 7912, आप चाहे तो 7915 भी यूज कर सकते हैं, तीन पीस कैपेसिटर 0.47 EF, एक पीस थ्री पिन सॉकेट है ऑडियो इनपुट के लिए, तीन पीस कॉइल है 5 H का, साथ में 18 ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस चाहिए, कॉइल यहाँ पर 18 गेज की कॉपर वायर से बनाया है, एक पीस LED है 3 mm का,
दो पीस आईसी है LM3886 और एक पीस आईसी है TDA7294। तीन पीस टर्न में वाले ट्रांसफार्मर इनपुट के लिए, एक पीस ड्यूल गैंग पोटेंशियोमीटर है 100K का और एक पीस सिंगल लाइन पोटेंशियोमीटर है 100K का। एक पीस ब्रिज रेक्टिफायर है GBJ2510। हमारे पास ये रेक्टिफायर अभी अवेलेबल नहीं है तो हम पुराने वाले से ही काम चला लेते हैं। तीन पीस स्क्रू टर्न वाले स्पीकर आउटपुट के लिए, दो पीस कैपेसिटर है 10,000 ईयर 50 वोल्ट में, आप चाहे तो यहाँ पर 35 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं। एक पीस कैपेसिटर है 0.047 UF जो कि हम पहले लगाना भूल गए थे तो इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। यह हीटसिंक जिसके ऊपर हमने पहले से होल बना के रखे हैं, आपको इस टाइप का हीटसिंक यूज़ नहीं करना है, इससे बड़ा वाला हीटसिंक यूज़ करना है क्योंकि आईसी बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। और इसमें जो TDA7294 आईसी लगा हुआ है उसके पीछे प्लास्टिक का स्पेसर और माइक लगाना ज़रूरी है, वरना ये टोटल हीटसिंक को नेगेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। इस बोर्ड की लो पास फिल्टर और गेन बूस्टर के लिए हम यहाँ पर डुअल चैनल लो पैम्प आईसी यानी 5532 आईसी यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो नीचे दी हुई लिस्ट में से कोई सा भी ओपैम्प यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसकी TDA7294 वाले सेक्शन में इसकी कॉइल और आउटपुट फिल्टर के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमें लगाना नहीं है और इसकी 14 नंबर पिन से हमें डायरेक्ट स्पीकर आउटपुट ले लेना है। और यह ट्रांसफार्मर जो कि 18018 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है जो कि हम यहाँ पर ओनली टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर आप चाहे तो इस बोर्ड में 20020 10 एम्पेयर तक ट्रांसफार्मर इनपुट कर सकते हैं। वोल्टेज आपको 20020 के ऊपर इंक्रीज़ नहीं करना है। यह ब्लूटूथ मॉड्यूल जिससे कि हम इस बोर्ड में ऑडियो इनपुट देंगे और यह ब्लूटूथ मॉड्यूल के पावर सप्लाई और यह ऑडियो इनपुट है जिसमें हम एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके रखा है। आपको पोटेंशियोमीटर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये जो बोर्ड है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑल पर दबा देना जिससे कि फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके की वीडियो मिल सके।